अच्छा, अब हम एक बीच में सेगमेंट डाल रहे हैं. श्योर. ठीक है. और ऑब्वियसली यू आर अ फैशन आइकॉन. थैंक यू सो मच. एंड यू गॉट सो मेनी अवार्ड्स फॉर दैट एज़ वेल. यस. अवार्ड्स पे भी बात करेंगे बाद में. ये मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम ले रही हूँ, इन्हें 1 to 10 इनकी स्टाइलिंग पे रेटिंग. आप चाहती हैं कि मुझे मारें ये सब? माहिरा खान. आई लाइक द फैक्ट दैट शी प्लेज सेफ. She believes in less is more, which is true. So I would give her 8 out of 10. Mehvish Hayat. 5 out of 10. That was quick. Saba Qamar. 7 out of 10. Sonia Hossain. Again, she's... sometimes I feel she tries too hard. But... फिर वही वाली बात है, एटलीस्ट इंजॉय तो करती है वो जो भी करती है. और अभी छोटी है शीलन. वेल, इतने छोटे भी नहीं है खैर ये लोग. बट 7 out of 10, I would say. Okay. Sajal? 3 out of 10. Yeah, 3 out of 10. Hukain sisters? They are beautiful. I love both of them. And they're the only two sisters I would love to style. Oh, really? Yeah. Okay. Kobra? Kobra? Kobra. All right. What do you want me to say about her? Out of 1 to 10. You want me to rate Cobra? Yeah. Out of 1 out of 10? Alright. I don't know how much. Okay. She's very pretty though. She's very cute. But I love her accent. Isiliye main, sorry Cobra. I was not making fun of you. I was just having fun. I think she's 3 out of 10. Okay. Aiman Manal. Again, I would love to style them. Okay. The beautiful kids. Beautiful, beautiful girls. They literally one out of 10? 1 out of 10? 3. Urva Mabra ka nahi bataya. Kya? Usko rate karna hai 1 to 10 mein. Maine kaha na aapko, bas unko main style karna chahta. Number? Oh God. Too tough. 4 out of 10. And Hajra Yami. She has her own style. I think she's... See, for me, style is not about just wearing clothes. It's about having a personality. That counts a lot. Okay. I'm going to give a 9 out of 10. Theek. Yeah. Achha, baat hum and I will also give Myra and Saba now 9 out of 10. Okay. Yeah. Chalo, and Nausheen Shah? Nausheen Shah. 10 out of 10. No. When it comes to me, there's no numbers. Aha. Yes. 100 out of 10, huh? No, there is no numbers. Achha, baat hum ye kar rahe the ki umron ki baat ho rahi thi. Haan ji. Maine note kiya aap lately apni umar se kuch bade roles kar rahi hain. Haan. Iski kya reason hai? Kyunki main candy nahi hu, main artist hu. Okay. Yeah. Ek artist jo hota hai, उसको एक अच्छा परफॉर्मर जो होता है उसको परफॉर्म अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए. सबको पता है मेरी एज क्या है, एवरीबडी नोज. तो वो तो कोई छुपी हुई बात है नहीं. तो मुझे तो अच्छा लगता है एजी कैरेक्टर्स करना. नहीं, एजी कैरेक्टर करना, लेकिन जो आपकी एज ही नहीं है और आप उसके ऊपर आपको क्या ये थोड़ा सा इस पर मुझे है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी गिला है इस पर. मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी कहती हूँ कि आप मुझे वो कैरेक्टर्स, एक दो दफ़ा ही किए मैंने, खैर इतने ज़्यादा नहीं किए. अभी जो मैंने किया है दीवारिश, अब उसमें एक अपना रोमांस था, इसका यंग पोर्शन था. देन शी यू नो तीसरी जनरेशन जो हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो माशाल्लाह उम्रों में भी मेरे जितने हैं और कद में तो मुझसे भी बहुत लंबे हैं. बट ये इसके लिए तो हाँ मैंने इसलिए की थी क्योंकि इसका अपना एक शुरू में यंग पोर्शन था. अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बहुत अजीब सी बात है कि एक 45 साल की उम्र का रोल है और हमारे पास इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट या तो जिनके कैरेक्टर्स हैं उनको क्यों नहीं देते आप? जो मेरी एज के लड़कियों के कैरेक्टर्स हैं आप उन्हें वो हमें दें, जो आपकी एज के कैरेक्टर्स हैं वो आपको दें. एक्टर की मैं अगर बात करूँ तो मुझसे बहुत बेहतर एक्ट्रेस हैं. बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो ये रोल जो आप मुझसे करवा रहे हैं वो मुझसे बहुत बेहतर करेंगी. और पैसे वो भी शायद वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, आप भी नहीं करेंगी. सबने अपना अपना नाम बना लिया है.
तो मुझे नहीं, मुझे जेन्युइनली ये साइकी समझ नहीं आता. इसमें जो अभी प्रोजेक्ट किया है मुझे, चलो ये समझ में आता है कि उसमें यंग टू ओल्ड था. तो आई एम समबडी हु कैन लुक 16-17 ईयर्स ओल्ड एंड एट द सेम टाइम 80 ईयर ओल्ड. मैं 80 की भी लग सकती हूँ और मैं 16-17 की भी लग बिल्कुल ठीक है. इसमें मैं ये एक वाहिद एक मुझे एक लॉजिक समझ में आती है. इसके अलावा छोटी उम्र की लड़की को बड़ी उम्र के रोल देना मुझे नहीं समझ में आता. अच्छा, दूसरी बात अवार्ड्स का जिक्र तुमने किया था. खैर, मैं तो किसी भी अवार्ड को सीरियसली नहीं लेती. मुझे तो, मैं सिर्फ रिवॉर्ड को सीरियसली लेती हूँ. आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू. शो मी द मनी हनी, दैट्स इट. I can't be like, you know, no. अच्छा, तो अवार्ड्स जो मिले हैं तो उनकी कोई खुशी नहीं है? नहीं, खुशी होती है, ऐसी बात नहीं है. ये गलत है, ये मैं झूठ बोलूंगी, ये नाइंसाफी वाली बात होगी. खुशी तो होती है, इन अवार्ड्स की भी होती है, बिल्कुल खुशी. लेकिन आई विश के वाकई कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हो जिनको लेने के लिए एक्टर अपनी, जिसे कहते हैं ना कि जान की बाजी लगा दे. खुशी होती है. देखें, जब आपने अच्छा काम किया होता है तो आपको अंदर अंदर कहीं उम्मीद होती है, राइट? कि यार इस पे मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिल जाए, इस पे मुझे अप्रिसिएशन इनको देनी चाहिए. वो आपको एज एन आर्टिस्ट खुद ही पता चल जाता है. बड़ी खुशी होती है अगर इस तरह के काम पे आपको अवार्ड दिया जाए. लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट टू कास्ट यू इन द नेक्स्ट सीरियल, जस्ट टू कास्ट यू इन द नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, इफ समबडी इज गिविंग यू अवार्ड एंड ब्रिंगिंग यू ऑन बोर्ड, देन इट्स अ स्टुपिडिटी. और मुझे एक और चीज़, मुझे बड़ा दुख है, आबिद अली साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हुई. हमारी कंट्री के, हमारे मुल्क के वो एक लेजेंड थे. मतलब वो एक चलता फिरता एक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जो मर्जी कह ले उनको, मैंने उनके साथ काम किया है. वो इतने कोई पावरफुल एक्टर, वो अपनी आँखों से ही हर बात कहते हैं. ऐसे एक्टर हमारी, वो कहते हैं ना सदियों में पैदा होने वाले. उनके बारे में बहुत बात हुई खबरों में, उनके बारे में अखबारों में बहुत बात हुई, उनके बारे में सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया पर हर किसी ने बड़ा इजहार किया. क्योंकि थोड़ी बहुत आपको माइलेज तो चाहिए होती है. लेकिन उनके जनाजे में सिर्फ मीडिया से, शोबिज से, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, 4 लोग गए, जिसमें से 2-3 एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं आता, एक का मुझे पता है, फहद मुस्तफ़ा था, दैट्स इट. और जो सबसे मुझे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़, आप गई थी, मेरी ईमान से बात थी, आई वॉज इन टच विद हर थ्रू आउट. आई वॉन्टेड टू गो बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, आई नो ईमान हरसेल्फ कुडंट गो देयर, या तो मे, बट आई वॉज थ्रू आउट इन टच विद हर थ्रू आउट. मेरी बात, जब से ये सिलसिला शुरू हो गया था, मेरी बहुत दोस्ती है ईमान से, शी इज़ लाइक अ सिस्टर. तो थ्रू आउट उससे बात रही है, बट वो नहीं थी उस फ्रेम ऑफ माइंड में जहाँ पे, और मुझे भी थोड़ा मुनासिब नहीं लगा कि अभी ये उसके, जाहिर है आपके फादर की डेथ हुई है तो, और वो सिचुएशन आप, हम सब के सामने थी, उनकी स्टेप मदर एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं ज़्यादा उसको बॉदर नहीं किया. लाइक, यू टेक योर टाइम, बट वंस यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, तो मैं मिलने तुम्हारे पास आना चाहूँगी, या मेरे घर आ जाओ, मेरे पास रहो थोड़ा सा, ब्रिंग योर हस्बैंड ऑल्सो, जस्ट यू कैन फील एट होम एंड वट एवर. बट एनी वेज, मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगती है, हमारे अदाकार, हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जब वो जीते हैं, जब वो ज़िंदा होते हैं, तब तो उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई काम नहीं देता. लेकिन वो मर जाते हैं तो उनकी मौत पे पैसे कमा लिए जाते हैं, प्रोग्राम्स बना के, खबरों में, चैनल्स पे, मॉर्निंग शोज़ पे. वाई व्हेन दे आर लाइव, आप कहाँ हैं? उस वक्त उनकी कोई मदद क्यों नहीं करता? कंदील बलोच को जब वो ज़िंदा थी तो क्यों गालियाँ दी आपने? जब वो मर गई तो आपने उस पर ड्रामा बना दिया. वाई? आई डोंट गेट इट, आई रियली डोंट गेट इट. इट्स अ ट्विस्टेड सोसाइटी. It's extremely sad. It's alarming. बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, और वो वहाँ तो शायद इसलिए भी नहीं होता, वहाँ तो पैसे ही आपको इतने दे देते हैं कि आपको किसी के पास भीख मांगने की, हमारे तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं बेचारे भीख मांगने की हद तक आ गए. वो तो लिटरली कशकोल लेके, वो भीख वाला कटोरा लेके बैठ गए हैं. हमारी बहुत सीनियर एक्ट्रेस एक निगत भट्ट जी, उनके समय काफ़ी हालात ख़राब हैं, आई डोंट नो हाउ टू रीच हर और डू व्हाट. बस ये है ना, मुझे अभी किसी ने मेरे एक इंटरव्यू में कहा कि आपने कभी पॉलिटिक्स में जाने का सोचा है, तो आई वाज लाइक नो. ये क्यों किसी ने आपसे? आई डोंट नो, ये उनका एक सवाल था. बट मेरा जवाब ये है कि अगर हम सब, ऑल ऑफ अस एंड इवन इन दिस स्टूडियो, हम सारे लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें, ये सोच के कि हमें
मुझे भी, आपको भी, हमारे कैमरा के पीछे जो साहब हैं इनको भी, हम सब छोटा छोटा भी अपना हिस्सा डाल देना सोसाइटी में। हम एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें। चले हम बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते, हम उनको प्राइमरी स्कूल्स में डाल दें। हम जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो खुद मुख्तार तो नहीं, थोड़े कंफर्टेबल हैं, जो इज्जत वाले हैं, जो नहीं मांगना चाहते किसी से, जिनको अपना एक एक रख रखाव रखना है, सफेद पोश, जो शर्मिंदगी के मारे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो दबी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सप्रेस हैं, ऐसे घरों का अगर हम सब एक एक बंदा मिलके जिम्मा ले ले, तो हम गवर्नमेंट से बहुत अच्छा काम कर सकें। उनको अपना काम करने दें, वो भी कर रहे हैं।